शनिदेव। प्रिय भक्त गणों, मैं गुरु मारुक मणि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप लोग? अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं समझ सकती हूं कि कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, कर्जों के बोझ से दबे हुए हैं, फाइनेंशियली आपको समस्या हो रही है, धन सही से संचय नहीं कर पा रहे हैं, कमा नहीं पा रहे हैं और कर्जे अपने उतार नहीं पा रहे हैं, तो इस कारण आप परेशान हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपकी गुरुमा आपके साथ हैं, तो अवश्य ही हम लोग मिल करके सभी कर्जों से मुक्ति पा लें। आज मैं आपको वही उपाय बताने जा रही हूँ, वही प्रयोग बताने जा रही हूँ जिसको करके आप अपने कर्जों से मुक्त हो सकते हैं, जो आपने लोन ले रखा है, जिसके कारण आप परेशान रहते हैं, रातों की नींद आपकी उड़ गई है, जो आप अंदर ही अंदर जो चिंता आपको खाई जा रही है कि इतना धन हम कैसे चुकाएंगे, उसके लिए मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे अवश्य ही और शीघ्र ही आप इस कर्जे के बोझ से मुक्त हो पाएंगे। तो अंत तक इस वीडियो को आप अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइब पेज पर जाकर के और चैनल पेज पे जाकर के बेल का आइकन, घंटी का आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हमारे चैनल पर आप सभी लोगों की जिज्ञासा के लिए डेली का राशिफल भी दिया जाता है, जो कि बहुत ही सटीक होता है और आपको बहुत ही सूट करेगा। तो अपनी राशि के अनुसार स्वामी राज ऋषि जी की वाणी में सुबह सुबह आप राशिफल देखना ना भूलें और अपने दिन का प्रारंभ उस राशिफल से अवश्य ही करें। दसवीं एवं बारहवीं पास 15 से 25 साल तक की लड़कियों के लिए शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में गुरु रजनीश ऋषि जी और गुरु मां रुक्मिणी जी द्वारा फ्री कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, जहां सभी लड़कियों को मल्टीमीडिया, वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का फ्री 2 साल एवं 3 साल का डिप्लोमा कोर्स पूरे दिन सिखाया जाता है, जिसकी कीमत मार्केट में 5 लाख रुपए तक है। लड़कियों को हर महीने हमारे मंदिर की ओर से स्कॉलरशिप भी दी जाती है, ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और एक सम्मानजनक नौकरी पा सकें। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें गुरु मां रुक्मिणी जी। चलिए बात करते हैं हम आज के उपाय के बारे में। अगर आपकी राशि धनु राशि है, यानी कि सैजिटेरियस राशि है, तो आपने कर्जों से मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करना है, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। आप उसे नोट करें और अवश्य ही इसे जीवन में प्रयोग करें। निश्चित जाने, अगर श्रद्धा और विश्वास से आप इस उपाय को करेंगे तो कितना भी बड़े से बड़ा कर्जा हो, वो शीघ्रता शीघ्र उतरने लगेगा। इस उपाय को करने के लिए मैं आपको 2 चीजें बताने वाले हूँ। सबसे पहले तो हम वो मंत्र, वो चमत्कारी मंत्र जानेंगे, जिसको प्रयोग करने से हमारा जो ऋण है, हमारा जो कर्ज है, वो शीघ्र ही उतरने लगता है। और साथ ही मैं आपको एक मूर्ति बताने जा रही हूँ, जिसे आपने अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, ताकि आपके अंदर फिर से कॉन्फिडेंस आए, आप आत्मविश्वास से भरे हो और बड़े से बड़ा कर्जा अपने जीवन का चुटकियों में उतार सके। अगर आपकी राशि धनु राशि है, यानी कि सैजिटेरियस राशि है, उस स्थिति में आपने एक हाथी की मूर्ति अपने लेकर के आनी है और इसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर की आपने स्थापित करनी है। इस उपाय को आपने बुधवार के दिन करना है। बुधवार को मूर्ति अपने घर में लाएं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसे स्थापित करें। साथ ही आपने एक यंत्र में, जो आपको बताने वाली हूँ, आपने एक यंत्र बनाना है। कोई भी भोजपत्र आप लें और रोली को घोले और रोली से, जो आप अपनी स्क्रीन पर यंत्र देख रहे हैं, इस यंत्र को आपने इसी प्रकार से बनाना है। इसे बनाकर के भी बुधवार के दिन इसे स्थापित करें। अब जो मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ, इसका 108 बार आपने उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार से है, आप नोट कर लें। ओम गम गणपतये ऋण हर्ताय नमः। ओम गम गणपतये ऋण हर्ताय नमः। ओम गम गणपतये ऋण हर्ताय नमः। साथ ही गणेश जी की एक ऐसा फोटो जिसमें माता सरस्वती, माता लक्ष्मी एवं गणेश जी तीनों ही हो, उसे भी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। और ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है, इस मंत्र को 108 बार आपने डेली नियमित रूप से जपना है
और तब तक जपते रहें जब तक आप पूरी तरीके से आपका ऋण समाप्त नहीं हो जाता। एक रुपया भी जब तक आपके ऊपर कर्जा है आप इस मंत्र को करते रहें, भगवान श्री गणेश अवश्य ही शीघ्र ही आपका कर्जा आपसे दूर करेंगे और पूरे ही कर्जे से आप मुक्त हो सकेंगे। ऐसी मूर्ति को लगाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मिक बल और शक्ति बढ़ेगी और जब तक कि आप अपना कर्जा पूरी तरीके से चुका नहीं लेते हैं आप निडर होकर बिना चिंता के अपने कार्य को कर सकेंगे। प्रिय भक्तगणों, मैं समझ सकती हूँ जीवन में जब कर्जा हो जाता है कितनी आपको समस्या है और कितने कष्टों से आप अपना जीवन काटते हैं। बहुत से ऐसे लोग हमारे पास आते हैं और अपनी परिस्थितियां हमें बताते हैं, लेकिन मैं आप सभी को हमेशा भक्ति की शक्ति सिखाती हूँ। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जब सच्चे मन से भक्त ईश्वर को पुकारता है भगवान किसी भी रूप में उसकी सहायता करने अवश्य ही पहुँचते हैं। आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ जो कि कर्ज से संबंधित है और इसे सुन के अवश्य ही आपको भी प्रेरणा मिलेगी और आपकी भक्ति और दृढ़ होगी। आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति ने जन्म लिया, नाम था उनका गोपन्ना। गोपन्ना उनका पूरा परिवार ही भक्ति रस में डूबा हुआ था। वो सभी लोग भगवान का यश गान करते रहते थे। जब उम्र गोपन्ना की बड़ी हुई तो उनके मामा श्री ने उनकी जो नौकरी थी, उनके जो काम था, वो वहां उस समय जो तानाशाह राज किया करते थे, अब्दुल हसन तानाशाह, उनके दरबार में उन्होंने गुहार लगाई और गोपन्ना को वहीं पर नौकरी दिलवा दी। अब्दुल हसन तानाशाह ने उनको तहसीलदार नियुक्त किया और उनकी नियुक्ति की कि गांव-गांव जाकर के उन्होंने किसानों से कर वसूलना है। गोपन्ना अपने कार्य से बहुत ही प्रसन्न थे और अपने भगवान की भक्ति के साथ, क्योंकि उनका तो शुरू से जो तार जुड़ा था वो राम से जुड़ा था। मैं सभी लोगों को यही समझाती हूँ कि तो ईश्वर तो एक है, उसके नाम अनेक है। तो जिस नाम से गोपन्ना का तार जुड़ा था वो था श्री राम का। वो राम भक्ति के साथ साथ राज्य भक्ति भी करने लगे। वो अपना काम बहुत ही कुशलता से कर रहे थे कि एक दिन वो भद्राचल पहुंचे। भद्राचल में उन्हें बताया गया कि एक बहुत प्राचीन श्री राम का मंदिर है और ये मान्यता है कि वनवास के समय श्री राम माता सीता सहित लक्ष्मण सहित वहां पर उन्होंने वास किया था भद्राचल में। गोपन्ना गए वहां पर और जाकर के उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए, लेकिन देखा तो मंदिर बहुत ही जर्जर, बहुत बुरी अवस्था में था। उन्होंने पूछा लोगों से कि मंदिर की ऐसी अवस्था क्यों है, ये तो इतना प्राचीन मंदिर है, इतनी इसकी मान्यता है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ आसपास सब किसान रहते हैं और किसी के पास इतना धन एक साथ नहीं है कि मंदिर में लगा सके, इसका जीर्णोद्धार कर सके। गोपन्ना ने काफी सोचा और सोचने के बाद उन्होंने ये जिम्मा लिया कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार मैं कराऊंगा, फिर से इसे एक अच्छी और सुंदर स्थान बनाऊंगा। वो तहसीलदार थे, गांव-गांव जाते, वो गांव-गांव से लोगों को चंदा इकट्ठा करके उन्होंने मंदिर का कार्य शुरू किया। देश के अलग अलग प्रांतों से शिल्पी, शिल्पकार, मजदूर इत्यादि आए और मंदिर का काम जोरों शोरों पर चलने लगा। लेकिन मंदिर का कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया था कि जितना भी चंदा वो इकट्ठा कर सके वो समाप्त हो गया। अब और धन की आवश्यकता थी, जो मजदूर काम कर रहे थे, जो शिल्पकार थे, उनको भी धन मिल नहीं रहा था और वो भी एक एक करके छोड़ के जाने लगे। वहां के सभी किसानों ने गोपन्ना से बात की, उनसे कहा कि आप ही इसमें कुछ सहायता करें। गोपन्ना ने कहा मैं इसमें कितनी सहायता कर सकता हूँ। उन्होंने किसानों ने उनसे निवेदन किया कि आप तहसीलदार हैं, आप कर वसूली करते हैं, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम तानाशाह के कोष से कुछ धन कर्ज ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं और जैसे हमारी फसल कटेगी हम सूद समेत आपको वो सारा धन वापस कर देंगे। गोपन्ना ने काफी सोचा, फिर वो इस बात के लिए तैयार हो गए। अपनी जिम्मेदारी पे उन्होंने किसानों को मंदिर के लिए धन प्रदान किया, लेकिन दुर्भाग्यवश फसल अच्छी ना हो सकी, किसान कर्जा ना चुका सके। बात अब्दुल हसन तानाशाह तक पहुंची।
गोपन्ना को बंधी बनाया गया। गोपन्ना ने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है लोग अवश्य ही धन को लौटा लेंगे, मेरे प्रभु श्री राम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तानाशाह ने कहा, यदि तुम्हें लोगों पर और अपने भगवान पर इतना ही विश्वास है तो ऐसा करो जब तक कि तेरा सारा धन जो कि 1,00,000 रुपए उस जमाने में 1620 के जमाने में हुआ करता था, 1,00,000 रुपए और उसका पूरा सूद मिल नहीं जाता, तब तक तुम कैद खाने में कैद रहोगे। उसे बंदी बना लिया गया और गोपन्ना वही श्री राम की भक्ति करने लगा। रोजाना ही प्रभु श्री राम की भक्ति करते, कोई नई नई कविता बनाते, भगवान की भजन गाते और उनका स्मरण करते रहे। सालों से सालों गुजरते गए, कर्ज भी बढ़ता रहा, लेकिन कोई भी गोपन्ना को बचाने के लिए आगे नहीं आया। जो खाना देने गोपन्ना को आया करते थे वो भी कहने लगे कि तू क्यों भगवान की ऐसी भक्ति करता है, क्या दिया तेरे श्री राम ने तुझे, क्यों तुझे भगवान पर इतना भरोसा है, कोई नहीं आने वाला, इससे अच्छा तो तू अब्दुल हसन तानाशाह से माफी मांगे, हो सकता है वो तुझे माफ कर दे। लेकिन गोपन्ना कहने लगे, मुझे अपने भगवान पे अटूट विश्वास है, अरे मैं तो कोई कष्ट नहीं झेल रहा, मेरे प्रभु श्री राम ने तो 14 वर्ष वनवास काटा है। समय बीतता गया, कोई उनकी सहायता को नहीं आया, कर्ज बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। और एक दिन अब्दुल तानाशाह स्वयं गोपन्ना से मिलने के लिए उस काल कोठरी में पहुंचे। पहुंच करके उन्होंने कहा, मैंने सुना है गोपन्ना अब तुम्हें भद्राचल रामदास के नाम से पुकारा जाता है और भद्राचल में तुम बहुत प्रसिद्ध हो गए, मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि तुम्हारा जो जितना भी कर्ज था सूद सहित दो लड़कों ने आकर के चुका दिया है। गोपन्ना हैरान थे, सभी लोग हैरान थे, इतना सारा कर्ज इतना सारा धन किसने चुकाया। अब्दुल हसन तानाशाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दो युवक थे, उनमें से एक अपना नाम राम बता रहा था, दूसरा लक्ष्मण बता रहा था, वो कहते थे अयोध्या से आए, उन्होंने तुम्हारा पूरा कर्ज दे दिया है, अब तुम स्वतंत्र हो, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम कहो तो मैं फिर से तुम्हें तहसीलदार नियुक्त कर दूं। पर गोपन्ना ने भगवान श्री राम की भक्ति ही स्वीकार करी और पालकी में बिठा करके अब्दुल हसन तानाशाह को भी उन्हें उनके घर भेजना पड़ा ससम्मान। ये है भक्ति की शक्ति। अगर ईश्वर पे विश्वास है, और विश्वास देखो अच्छे समय में तो हर कोई विश्वास कर सकता है, यदि समय बुरा है और तब तुम्हारा विश्वास है तो उसे विश्वास कहते। अगर 4 दिन तुम्हारे जीवन के खराब हुए तो तुम्हारा विश्वास उठ जाता है, इसे विश्वास नहीं कहते, इसे भक्ति भी नहीं कहते। अगर भक्ति करनी है, ईश्वर पे सच में श्रद्धा और विश्वास है, तो मुसीबत के समय में ही ये परीक्षा होती है। तो जिस प्रकार से भद्राचल रामदास जो कि 16वीं शताब्दी के बहुत बड़े संत हुए और उनका नाम भद्राचल रामदास के नाम से प्रसिद्ध है, उनके जीवन की ये सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। तो यदि चमत्कार देखना है तो ईश्वर पर उसकी कृपा पर विश्वास करो, चमत्कार अवश्य ही दिखाई देगा। और अगर मन तुम्हारा चंचल है, मन ईश्वर में स्थिर नहीं, तो चमत्कार तुम नहीं देख सकते, क्योंकि अभी तुम चमत्कार देखने के पात्र नहीं हो, तुम्हें वो दृष्टि नहीं है कि तुम चमत्कार देख सको। मैं समझती हूँ जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहाँ हमें कर्ज लेके अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है, लेकिन कोशिश करो जितना हो सके कर्ज से बचो, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा बोझ है। कोई जितना हो सके कर्ज से बचो, लेकिन फिर भी कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमें ऐसा करना ही पड़ता है, कई बार आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। तो स्थिति में जो उपाय मैंने आपको बताया है उस उपाय को आप प्रयोग करें और अवश्य ही निश्चित ही जानिए, अगर श्रद्धा विश्वास से आप करेंगे तो भगवान श्री गणेश ईश्वर आपको इस ऋण से इस कर्जे से शीघ्रता शीघ्र मुक्त करेंगे और जो मूर्ति मैंने आपको बताई है उसको स्थापित करने से आपका जीवन और मजबूत होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने कार्य में और बेहतर कर सकेंगे। साथ ही कहना चाहूंगी, अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी जानना है, आपके ग्रह आपसे बहुत रुष्ट है जिसके कारण आपको जीवन में परेशानियां हो रही है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो नौकरी व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो शादीशुदा जीवन या शादी से संबंधित हो, बच्चे या उनके
करियर से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो, तो आप बिना झिझक स्क्रीन पर जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं उस पर हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं और एक छोटी सी फीस लेकर के आप व्हाट्सएप की वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे अथवा हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी से अपने लिए उपाय प्राप्त कर सकते हैं। उपाय जानने के लिए जो भी फीस आपसे ली जाती है वो हमारे शनिपीठ मंदिर के संचालन के काम आती है और जो हम बहुत से सामाजिक कार्य करते हैं जैसे महायज्ञों का यज्ञों का आयोजन किया जाता है या हम हर शनिवार हर मंगलवार जो प्रसाद वितरण करते हैं हलवे का प्रसाद बांटते हैं गरीबों के बीच में उसके लिए प्रयोग की जाती है, जो अन्नदान किया जाता है समय समय पर उसके लिए प्रयोग की जाती है, जो लंगर सेवा इत्यादि होती है उसके लिए प्रयोग की जाती है और जो हम गरीब लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं, जो कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं उसके लिए ये प्रयोग की जाती है। तो अपनी कुंडली दिखाने के माध्यम से आप इन सभी सेवाओं में भी सहयोग दे सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप हमारे यहाँ जब भी फोन करें समय का विशेष ध्यान रखें, सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक के बीच में ही फोन करें और संडे को फोन नहीं उठाए जाते हैं इस बात का ख्याल रखें। अगर आपकी अपॉइंटमेंट है या मीटिंग है तो केवल वो होता है लेकिन फोन उस दिन अटेंड नहीं किए जाते। तो आप दिन और समय का हमेशा ही ध्यान रखें फोन करने से पहले। आप सभी अपने कर्जों से शीघ्रता शीघ्र मुक्त हो, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा आशीर्वाद है आप सभी लोगों के लिए। जय शनिदेव। क्या आप अपने विवाहित जीवन से सुखी नहीं है? क्या आप पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ गई है? क्या आपके घर की शांति सास ससुर या नंद के कारण खराब हो रही है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें